हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास सिक्स ज्योग्राफी का चैप्टर 8 इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि विच विंड्स ब्रिंग रेनफॉल इन इंडिया, व्हाई इज़ इट सो इम्पॉर्टेंट। तो कौन सी हवाएं हैं जो इंडिया में बारिश लेकर के आती हैं और ये जो हवा है ये इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, ज़रूरी क्यों है। तो आंसर देखिए है द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स ब्रिंग रेनफॉल इन इंडिया, दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर, दे आर इम्पॉर्टेंट सिंस एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन दिस रेनफॉल। ये सिंस है यहाँ पर SINCE। तो देखिए साउथ वेस्ट मानसून विंड्स हमारे देश के साउथ वेस्टर्न पार्ट से, देखिए जैसे कि ये है ना, ये इधर वाला ईस्ट है और इधर वाला वेस्ट है ना, और ये साउथ है। तो साउथ वेस्ट से जो हवाएं हमारे देश में आती हैं वो हमारे देश में बारिश लेकर के आती हैं और वो बारिश हमारे देश के एग्रीकल्चर खेती के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो कौन सी हवाएं हमारे देश में बारिश लेकर के आती हैं, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स, और वो एग्रीकल्चर के लिए खेती के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं और हमारे देश में खेती रेनफॉल पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द डिफरेंट सीजन्स इन इंडिया, हमारे देश में अलग अलग जो मौसम होते हैं वो हमें बताने हैं। तो देखिए एक तो समर सीज़न होता है, बहुत ही गर्मी जब होती है, जब अप्रैल मई जून जुलाई है ना, चार महीने की भयंकर गर्मी होती है, तो वो हमारी होती है हॉट वेदर सीज़न, जिसे हम समर कहते हैं। फिर आता है कोल्ड वेदर सीज़न विंटर, मतलब जिसे थोड़ी थोड़ी अक्टूबर के एंड से स्टार्ट हो जाती है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, मेनली नवंबर दिसंबर जनवरी या फरवरी में अच्छी खासी ठंड पड़ती है तो उसको हम कहते हैं विंटर सीज़न। फिर आता है एडवांसिंग सीज़न या फिर रेनी सीज़न, मतलब गर्मी का, सॉरी बारिश का मौसम है ना, ऐसा कहते हैं। देखिए अप्रैल मई और जून इसमें क्या होता है, गर्मी पड़ती है, फिर जुलाई अगस्त दो महीने खूब बढ़िया बारिश होती है, तो एडवांसिंग मानसून होता है बारिश का मौसम, रेनी सीज़न। और फिर आता है ऑटम, AUTUMN, ऑटम पतझड़ का जो सीज़न होता है ना। तो हॉट वेदर सीज़न, कोल्ड वेदर सीज़न, एडवांसिंग सीज़न और ऑटम, ये हमारे चार डिफरेंट सीजन्स हैं इंडिया में। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन मींस द ग्रासेस श्रब्स एंड ट्रीज। तो क्या हो गए, जो ग्रास होती है, घास और श्रब्स, घास से और मतलब श्रब्स क्या होते हैं, घास से तो बड़े होते हैं मगर ट्रीज से छोटे होते हैं, वो हमारी होती है श्रब। तो क्या क्या हो गया, ग्रास श्रब्स ट्रीज दैट ग्रो नेचुरली ऑन द अर्थ सर्फेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। तो नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है, तो ग्रास हो गई और श्रब्स हो गए और ट्रीज हो गए, जो नेचुरली खुद ब खुद ग्रो हो जाते हैं अर्थ के सर्फेस पे बिना ह्यूमन इंटरफेरेंस के, मतलब ह्यूमन दखलंदाजी के बिना ही जो पेड़ पौधे खुद उग जाते हैं उनको हम नेचुरल वेजिटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन इंडिया, अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे वेजिटेशन जो हमारे देश में होती है, उगती है, वो हम लोगों को बतानी है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हमारे देश में होते हैं जो खूब हरे पेड़ रहते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसीडुअस फॉरेस्ट, फिर थॉर्नी बुशेस, माउंटेन वेजिटेशन और मैनग्रोव फॉरेस्ट। तो देखिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ पर बारिश काफ़ी ज़्यादा पड़ती है, डेसीडुअस ऐसे जगह पर होते हैं जहाँ बारिश थोड़ी कम होती है, बुशेस तो मतलब झाड़ियाँ जैसी हो गई ना, माउंटेन वेजिटेशन जो कि पहाड़ों में होती है, और मैनग्रोव, मैनग्रोव फॉरेस्ट हमारे समुंदर के, जो हमारा देश है ना ये वाला इधर वाला पार्ट जो हमारे देश का समुंदर के किनारे जो पेड़ लगते हैं समुंदर के पास वाले रीजन में जहाँ पे नदी और समुंदर का पानी मिलता है उसको हम मैनग्रोव फॉरेस्ट बोलते हैं। तो पाँच टाइप के फॉरेस्ट होते हैं हमारे देश में, रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसीडुअस फॉरेस्ट, थॉर्नी बुशेस, माउंटेन वेजिटेशन और मैनग्रोव फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डेसीडुअस फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट और डेसीडुअस फॉरेस्ट में क्या अंतर होता है। तो देखिए एवरग्रीन फॉरेस्ट रिसीव हैवी रेनफॉल, ये HEAVY, एवरग्रीन फॉरेस्ट रिसीव हैवी रेनफॉल वेयर एज डेसीडुअस फॉरेस्ट हैव रेन इन मानसून सीजन। तो मतलब एवरग्रीन फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा बारिश होती है और काफ़ी हर समय पड़ती रहती है, डेसीडुअस फॉरेस्ट में रेन काफ़ी कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट है एवरग्रीन फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर, एवरग्रीन फॉरेस्ट जो हैं अपनी पत्तियाँ जब उनकी गिरती हैं ना तो साल के अलग अलग समय पर गिरती हैं, वेयर एज डेसीडुअस फॉरेस्ट शेड, शेड का मतलब होता है गिराना, शेड देयर लीव्स सीजनली, मतलब क्या होता है
एवरग्रीन फॉरेस्ट में ना जो पत्तियाँ झड़ती हैं वो अलग अलग समय पर झड़ती हैं साल में, इसलिए हमें क्या लगता है कि वो पेड़ और जो वो जंगल है हमेशा हरा भरा दिखाई देता है, क्योंकि एक समय पर हर पेड़ की पत्ती नहीं गिरती है। डेसिडुअस फॉरेस्ट में क्या होता है कि एक ही समय पर सारे पेड़ों की पत्तियाँ गिर जाती हैं, इसलिए हमें जो जंगल है वो काफ़ी सूखा सूखा सा लगता है, इसलिए हम उसे डेसिडुअस कहते हैं। और एवरग्रीन मतलब हमेशा हरा भरा, ऐसे जंगल में जो पेड़ों की पत्तियाँ हैं वो अलग अलग समय पर गिरती हैं, इसलिए हमें जो जंगल है ओवरऑल मिला करके हरा भरा ग्रीन दिखता है। नेक्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट ट्रीज फाउंड इन एवरग्रीन। एवरग्रीन जो फॉरेस्ट हैं उसमें इंपॉर्टेंट ट्रीज आपको कोई भी दो या फिर तीन याद रखने हैं, महोगनी, ईबोनी, रोजवुड, ये तीन आप याद कर लीजिए। ये हमें एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिलते हैं, महोगनी, ईबोनी और रोजवुड, है ना। वेयर इज इंपॉर्टेंट ट्रीज जो कि डेसिडुअस फॉरेस्ट में मिलते हैं, वो हम कह सकते हैं पीपल, साल, टाका। तो आप पीपल याद रख लीजिए, पीपल और साल का पेड़, ठीक है। और ये डेसिडुअस में हो गए, डेसिडुअस फॉरेस्ट में मिलते हैं पीपल, साल, और एवरग्रीन फॉरेस्ट में माहोगनी, ईबोनी और रोजवुड, या फिर माहोगनी और रोजवुड आप कर सकते हैं, और डेसिडुअस फॉरेस्ट में साल और पीपल का लीजिए। एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द डिफरेंस है, चौथा पॉइंट है डिफरेंस का। एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है हमें वो वेस्टर्न स्लोप्स और वेस्टर्न घाट्स में मिलता है। वेस्टर्न स्लोप्स और वेस्टर्न घाट्स मतलब हम लोगों को वेस्टर्न घाट हमारे देश में जो इलाका है उसके भी वेस्ट साइड में हमें एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। और डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है हमें हमारे देश में बहुत सारी जगह जैसे कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, है ना, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो ट्रीज़ मिलते हैं वो डेसिडुअस ट्रीज़ मिलते हैं, और एवरग्रीन फॉरेस्ट हम लोगों को वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट में मिलते हैं। और डेसिडुअस तो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, हर जगह मिलते हैं। अब वाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज़ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को एवरग्रीन फॉरेस्ट हम क्यों कहते हैं, हमेशा हरा भरी पेड़ जंगल क्यों कहते हैं? तो देखिए, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड एवरग्रीन फॉरेस्ट बिकॉज दे डू नॉट शेड देयर लीव्स इन एनी सीजन ऑफ द ईयर, मतलब एनी वन सीजन, एक सीजन में नहीं गिराते हैं, अलग अलग सीजन्स में वो पत्ते गिराते हैं, तो हमेशा हम लोगों को क्या दिखते हैं, वो हरे भरे दिखते हैं। टिक द करेक्ट करना है, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल अकर्स इन, सबसे ज़्यादा दुनिया में रेनफॉल होती है हमारे देश में, मौसिन राम हमारे देश में, देखिए मेघालय, चेरापूंजी के पास एक जगह है मौसिन राम, वहाँ पर दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश होती है, मोर देन 1000 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल मौसिन राम में होती है। मौसिन राम हमारे देश में मेघालय में पड़ता है। मॉनग्रोव फॉरेस्ट कैन थ्राइव इन, मॉनग्रोव फॉरेस्ट जो होते हैं वो सलाइन वाटर, नमकीन पानी में वो रहते हैं। थ्राइव इन का मतलब है नमकीन पानी में, मतलब वो कहाँ रह सकते हैं, तो वही नमकीन पानी में रह सकते हैं। महोगनी एंड रोजवुड ट्रीज कहाँ, अभी अभी देखा था ना हमने, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में महोगनी और रोजवुड ट्रीज हमें मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइल्ड गोट्स एंड स्नो लेपर्ड्स आर फाउंड इन हिमालयन रीजन। तो वाइल्ड गोट जंगली जो है भेड़े, जंगली बकरियाँ वगैरह, और जो स्नो लेपर्ड है ना वो हमें हिमालयास में मिलता है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश वगैरह वाले रीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून पीरियड द मॉइस्चर लेडन विंड्स ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड। इसका मतलब है जब साउथ वेस्ट मानसून सीजन आता है जिसकी वजह से हमारे देश में बारिश पड़ती है, वो समुद्र से पानी लैंड की तरफ, सी होता है समुंदर हमारा, समुंदर से ज़मीन लैंड की तरफ पानी मतलब नमी वाली हवाएं लेकर के आता है। फिर इन द ब्लैंक्स हैं हॉट एंड ड्राई विंड्स नोन एज लू ब्लो ड्यूरिंग द डे इन द समर्स। तो हॉट और हमें जो ड्राई सूखी हुई जो हवाएं होती हैं हमारे देश में उनको हम लू बोलते हैं। फिर द स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु रिसीव ग्रेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग सीजन ऑफ मानसून। मतलब आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर बारिश होती है मानसून के सीजन में। नेक्स्ट है गिर फॉरेस्ट इन गुजरात इज़ द होम ऑफ एशियाटिक लायन। मतलब जो गिर फॉरेस्ट है ना, गिर के जंगल जो हैं गुजरात के, वहाँ पर लायंस रहते हैं, एशियाटिक लायंस रहते हैं। नेक्स्ट है सुंदरी इज़ द वेल नोन स्पेशीज ऑफ मॉनग्रोव फॉरेस्ट। तो मॉनग्रोव फॉरेस्ट में एक
एक टाइप है सुंदरी ट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं मॉनग्रोव फॉरेस्ट में। नेक्स्ट है ट्रॉपिकल डेसीडुअस फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड मानसून फॉरेस्ट। तो मानसून फॉरेस्ट का दूसरा नाम क्या है? ट्रॉपिकल डेसीडुअस फॉरेस्ट मानसून फॉरेस्ट का दूसरा नाम है। तो हम लोगों ने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स देखे, मतलब पूरी की पूरी हमने एक्सरसाइज देख ली इस चैप्टर की। तो वीडियो कैसा लगा आपको बता सकते हैं। अच्छा लगा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।